राष्ट्रीय दशहरा मेला कुल्लू के अवसर पर पार्वती दो चरण परियोजना NHPC की तरफ से सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे रामा, रामा रामा हरे हरे की संगीतमय धुनों से रघुनाथ की नगरी गुंजेमय हो उठी है। इस्कॉन धार्मिक संस्था की तरफ से प्रदर्शनी मैदान में स्टॉल लगाया गया है, जहां पर भगवान जगन्नाथ सहित अन्य भगवान की प्रतिमा स्थापित की गई है। लोगों को सनातन धर्म की तरफ प्रेरित किया जा रहा है, खासतौर पर भगवद गीता के माध्यम से युवा शक्ति को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज की युवा शक्ति जो नशे की गिरफ्त में आ चुकी है, उसका ध्यान आध्यात्मिकता की तरफ लाने के लिए संदेश दिया जा रहा है। संस्था के संचालक चंद्रजीत का कहना है, अगर नशा करना है तो सनातन धर्म भगवद गीता में बताए गए धार्मिक पहलुओं का करें। असल में वही नशा है जिससे जीवन का कल्याण हो सके। हरे कृष्णा स्वामी जी, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में जो आपका स्टॉल लगा हुआ है, लोगों को धार्मिक चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से क्या ओवरऑल जी? हरे कृष्णा, सबसे पहले तो मैं आप सभी को इस दशहरा महोत्सव के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां देता हूँ। और जैसे आपने पूछा है कि जो हमारी संस्था है इस्कॉन संस्था अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारा सनातन धर्म है उसका प्रचार करना, उसका प्रचार करना, जिसमें खासकर भागवत गीता की जो शिक्षाएं हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना, यूथ तक पहुंचाना, ताकि वो गलत रास्ते से बचे रहें, गलत संगति में ना जाएं। तो हमारा प्रयास यही है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म की ओर अग्रसर करें और भागवत गीता का प्रचार लोगों में कर सकें, और जो हमारे शास्त्र हैं उनका बोध है। हम यहाँ पे जो हमारा ये स्टॉल लगा है, इसमें भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं, बलभद्र सुभद्रा महारानी और प्रभुपाद जी का जो मेन उद्देश्य यही है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखें और इससे जुड़ने का प्रयास करें। सर, जैसा देखा जा रहा है युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर जा रही है, तो किस तरह से आप संदेश देंगे उनके लिए? युवा पीढ़ी जिस प्रकार से नशे की ओर, खासकर हमारा हिमाचल जो लगातार नशे में, हिमाचल के जो युवा हैं कुल्लू मनाली जो नशे की ओर अग्रसर हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूं और हमारा यही प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके युवाओं को आध्यात्मिक लाइन की ओर प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि वो नशे से, असली जो नशा है वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे भगवद गीता के अंदर जो दिया गया है उसकी ओर अग्रसर करने का प्रयास करें, ताकि जो बच्चे हैं वो नशे की ओर ना जाएं और अपनी संस्कृति के बारे में आगे जानकारी ले सकें। सर, आपका नाम जी? चंद्र जी। आप कहाँ से सर? हम यहीं पे ही, हमारा सेंटर है पतली पुल से ही है, लोकल है यहाँ पे, और हमारा प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोकल में इस चीज़ को फैला सकें। थैंक यू सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दिव्य हिमाचल TV के लिए कुल्लू से जसवीर ठाकुर की रिपोर्ट। का सभी कुल्लू वासियों को NHPC पार्वती 3 पावर स्टेशन की ओर से मेरा सादर प्रणाम। भारतीय परंपरा और आस्था में देवभूमि कुल्लू का अत्यंत ऊंचा रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा ना सिर्फ कुल्लू बल्कि हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश एक विशेष गरिमा प्रदान करता है। कुल्लू दशहरा के इस पावन पर्व पर समस्त कुल्लूवासी व
बड़े हर्षोल्लास से भगवान रघुनाथ जी का स्वागत करने को बेताब है। ऐसे में पार्वती त्री पावर स्टेशन की ओर से मैं भगवान रघुनाथ जी को समर्पित पावन कुल्लू दशहरे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आप सभी का जीवन मंगलमय हो और भगवान रघुनाथ जी कृपा आप सभी पर बनी रहे।